जेट विमान से यूएस के ड्रोन की टक्कर। काला सागर में टकराने के बाद गिरा अमेरिकी ड्रोन। यूएस तमतमाया और बढ़ गया टेंशन। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जारी टेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि काला सागर में एक रूसी जेट और एक अमेरिकी ड्रोन के बीच टक्कर हुई है। ये जानकारी अमेरिकी सेना ने दी है। वहीं सीएनएन के अनुसार एक रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी एयरफोर्स के ड्रोन को टक्कर मारकर काला सागर में डुबो दिया है। मंगलवार को काला सागर के ऊपर तब अजीब स्थिति बन गई जब रूसी जेट और अमेरिकन MQ-9 रिपर ड्रोन आमने सामने आ गए। सीएनएन के मुताबिक इस दौरान रूसी जेट ने अमेरिकी ड्रोन के प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना तब हुई जब अमेरिका का रिपर ड्रोन और रूस के दो फाइटर जेट SU-27 काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चक्कर लगा रहे थे। सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि इसी दौरान रूस का एक जेट जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन के सामने आ गया और जेट से तेल गिराने लगा। इस दौरान एक जेट ने ड्रोन के प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये प्रोपेलर ड्रोन के पीछे लगा था। प्रोपेलर की क्षति के बाद अमेरिकी सेनाओं के ड्रोन को काला सागर में डुबोने पर मजबूर करना पड़ा। बता दें कि प्रोपेलर ड्रोन के पंखे की तरह होता है। इसका ब्लेड जब घूमता है तो इससे थ्रस्ट बनता है और ड्रोन को उड़ने में मदद मिलती है। बता दें कि काला सागर वो जल क्षेत्र है जिसकी सीमाएं रूस और यूक्रेन से मिलती हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से इस क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सैन्य तनाव बना हुआ है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी और अमेरिकी काला सागर के ऊपर उड़ान भरते रहते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब दोनों देशों के युद्धक विमान एक दूसरे के सामने आ गए और टकराव की ऐसी नौबत आ गई। इस घटना पर अमेरिकी वायुसेना ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा है कि दो रूसी SU-27 विमानों ने एक अमेरिकी वायुसेना की निगरानी और टोही मानवहित MQ-9 ड्रोन को असुरक्षित और गैर स्वापरण तरीके से इंटरसेप्ट किया है। ये तब हुआ जब अमेरिकी ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर उड़ान भर रहा था। अमेरिका सेना के अनुसार सुबह 7:03 पर सेंट्रल यूरोपियन टाइम पर रूसी SU-27 ने अमेरिकी ड्रोन के प्रोपेलर को नष्ट कर दिया। अमेरिकी सेना का दावा है कि रूसी जेट ने अमेरिकी ड्रोन को टक्कर मारी और उस पर ईंधन भी गिरा दिया। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा।